आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव कुंडेसरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 44 किलोमीटर तो ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 2000 वोटों वाले इस गांव की कमान नौबत सिंह के हाथों में है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। चार वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के कुंडेसरा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल यहाँ आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास आपने यहाँ करवा दिया गाँव में? स्कूलों में काम करा है, आश्रित हुए, कंजर हुए, नाली हुई और शौचालय हुए। आवास वगैरह मिले हैं गाँव में? हाँ, आवास मिले जी। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत? हाँ। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ गाँव में मिलता है सभी को? सभी मिल जाएगा। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? कुछ के आ जाए, कुछ के नहीं भी आ जाए। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगवाई है आपने? नहीं, सोलर लाइट हमने लगवाई, पहले दिन नहीं है, कुछ जो जनता वगैरह लगवाई है। जी जी। यहाँ पर स्कूल में आपने काफ़ी कार्य करवाया है, उसमें सरकारी बिल्डिंग के अलावा, सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत घर ये मौजूद है? नहीं, पंचायत घर है वो भी गलत बनाया है, पीछे बनाया है, गलत बनाया। गलत मतलब? हाँ, उसमें जो मतलब सामग्री लगी है सही नहीं है, वो मटेरियल कम या गलत मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। गलत मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जी जी। और बराबर है? बराबर नहीं है। जो ये गलत मटेरियल पंचायत भवन में लगा है, क्या इसके बारे में आपने कभी किसी से शिकायत की या कोई? नहीं, ये ऐसा है, ये काफ़ी करीबन 10-12 साल का हो गया। अच्छा, तो उसके बाद में एक प्रधान और रह गया, अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? कितना मीटर सीसी से आपके जो है गाँव में पूरे रास्ते पक्के हो जाएंगे? अभी तो कम से कम 12-13 मीटर आ चुकी है, जब सही हो जाएगा। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? यहाँ तो करीबन 40-50 नहीं है। अस्पताल? ना, अस्पताल नहीं। कोई सामुदायिक केंद्र भी नहीं है आसपास? अस्पताल कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से अस्पताल टांडे है, करीबन 15 किलोमीटर है। उससे भी फिर पहले यहाँ कोई अस्पताल या कोई ऐसी दवाई वगैरह? प्राइवेट डॉक्टर है वो। तो आप सरकार से कहना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में आसपास कहीं कोई सामुदायिक केंद्र या अस्पताल का निर्माण भी कराया जाए? अस्पताल की तो बहुत जरूरी है जी। इसके अलावा कोई और समस्या आपके गांव में? और ये पंचायत में बन जाए, कोई बैराज बरात बन जाए और अस्पताल बन जाए, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ अब तक करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी ये गांव ओडीएफ हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ गरीब परिवार यहाँ ऐसे हैं, लगभग 50 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ लगभग 1200-1300 मीटर सीसी के लिए भी प्रधान ने मांग रखी है। प्रधान की यहाँ सबसे प्रमुख मांग और इस गांव की सबसे प्रमुख समस्या जो सामने आई है वो अस्पताल की है और बारात घर की है। अस्पताल को लेकर यहाँ ये मांग रखते हैं, काफ़ी दूर, लगभग 12-13 किलोमीटर दूर चलकर मरीजों को यहाँ जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मिराज सिंह, टुडे 24। जी सर, क्या नाम आपको? मेरा नाम इंद्रेश कुमार है जी। और मैं यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसका इंचार्ज हूं। अच्छा जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ प्रधान द्वारा यहाँ क्या क्या, यहाँ स्कूल में क्या क्या विकास कराया गया? ग्राम प्रधान जी द्वारा आप जितना भी यहाँ देख रहे हो, जो इसका विद्यालय का प्रांगण है, इस सारे प्रांगण की जो मरम्मत की है वो प्रधान जी ने की है। इसके अलावा हमारा ये जूनियर स्कूल है, इसका जितना भी प्रांगण है, इसमें सारा जो फर्श है वो प्रधान जी के द्वारा है। ये मंच है, लगभग 1500 वर्ग फीट एरिया का मंच है, ये भी प्रधान जी ने ग्राम पंचायत के माध्यम से अपना कराया है। हमारे ये शौचालय बने हुए हैं, दोनों विद्यालयों के शौचालय हैं, पूरे जनपद में फेमस शौचालय है ये, इस पर ट्रेन का चित्र बना हुआ है, ये भी ग्राम प्रधान जी ने अपनी मदद से कराया है। कुल मिलाकर ग्राम प्रधान जी से जितने भी यहाँ कार्य के लिए कहा जाता है वो तुरंत उसे पूरा सहयोग करते हैं। जी धन्यवाद।